आज जाफरनगर के अंदर सब्जी मंडी बनी अकील मस्जिद के सामने 60 फीडी रोड पर जो मौजूद है, हम लोग यहाँ पर आए। मोहल्ले में बहुत सारे लोग और औरतों ने शिकायत की हमारे पास कि हम रात में उस रास्ते से आने के लिए डरते हैं। हमने जब वजह पूछी तो ये बताई गई कि वहाँ पर बहुत सारे नौजवान जो आउटलाइन के हैं, जो कुत्ता गोली खाते हैं, कोरेक्स को नशे में धुत रहते हैं, वो लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं और आने जाने वाली औरतों को और जो अकेले आते जाते हैं यहाँ पर, उनको जो है डराते हैं या दौड़ाते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो हमने अभी सुबह यहाँ पर आ करके पूरी सब्ज़ी मंडी की वीडियो बनाई है, जहाँ पर हमें बहुत सारी देसी दारू की बोतलें मिली और कोरेक्स की जो बहुत सारी सैकड़ों बोतलें यहाँ पर मिली। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे जो है यहाँ पर चीज़ें दिख मिली है हमको, जो हम यहाँ पर बोल नहीं सकते, जो जेना की तरफ लेकर के जाती है। तो सब्ज़ी मंडी जो एक अच्छे काम के लिए और आवाम की सहूलत के लिए जो है बनाई गई थी, लेकिन आज यहाँ पर जेना, नशा और कुत्ता गोली जैसे और जो जराइम पेशा अफराद हैं उनकी पनाहगाह बनी हुई है। हम यहाँ पर आकर के सारी चीज़ों को जो है वीडियो में रिकॉर्ड किए हैं और अब पुलिस स्टेशन के अंदर PI साहब से जा करके और कमिश्नर साहब से टाइम ले करके मुलाकात करके हम ये बातें यहाँ पर रखेंगे। एक वक्त था जब यहाँ पर जो है मार्केट की दीवारें अंदर गाले नहीं बने थे, तो ये जो सब्ज़ी मंडी का यह हॉल है, ये शादी ब्याह के लिए दिया जाता था। उस वक्त आसपास की मोहल्ले की आवाम, जाफर नगर की नई बस्ती की, गोल्डर नगर की आवाम बहुत खुश हुआ करती थी कि उनके घर की शादी ब्याह के लिए एक ठिकाना था। हम ये भी गुजारिश करेंगे कि अगर सब्ज़ी मंडी आप नहीं चालू कर सकते तो इसको शादी हॉल में कन्वर्ट किया जाए। अगर सब्ज़ी मंडी आपको चालू करना है तो जल्द से जल्द इसको चालू करें और यहाँ पर मार्केट लगाएं। ये जो यहाँ से जो जराइम पेशा अफराद की नशोनुमा हो रही है, उसको ख़त्म किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आज इतना अच्छा जो है एक बिल्डिंग यहाँ पर थी, एक हॉल था, इनकी चारों तरफ की दीवारें तोड़ दी गई है। वो जो अफराद यहाँ पर बैठ के नशा करते हैं, वो जो है यहाँ के गेट को तोड़ करके बेच डाले हैं, यहाँ की खिड़की जो लोहे की थी उसको बेच करके उसी पैसे से नशा कर रहे हैं। तो कॉरपोरेशन के अफराद, तो कॉरपोरेशन से हमारी गुजारिश रहेगी कि वो आए यहाँ पर तवज्जो दे, या फिर इसको जो है मोहल्ले की किसी सोसाइटी को निगरानी के तौर पर दे दे, या जो कॉरपोरेटर आज से कुछ साल पहले सीना ठोक करके ये कहते थे कि सब्ज़ी मंडी हमने बनवाई, तो उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही थी कि वो ठेका निकाल लेवे, उसके अंदर फंड निकाल लेवे और अपना जो है अपने आप को मोकला कर ले, अपना बजट निकाल ले, अपने मफाद देख ले। और एक जो कौम की मिल्कियत है, एक जो महल्ले की उस शहर की मिल्कियत है, उसको बेसहारा और लावारिस छोड़ दे। आज पूरा जाफरनगर जो है लावारिस की तरह यहाँ पर लोग रह रहे हैं, लावारिस छोड़ दिया गया है। ना गटर साफ़ हो रही है, ना पानी की कोई निकासी है, ना साफ़ सफाई हो रही है। इसी तरीके से सब्ज़ी मंडी के अंदर जो चीज़ हो रही है किसी से छुपी नहीं है। तो हम आवाम से भी गुजारिश करेंगे कि इस जानिब तवज्जो दी जाए और जो है प्रशासक पे जो एक दबाव बनाया जाए कि सब्ज़ी मंडी या तो शुरू की जाए या तो इसे शादी हॉल में कन्वर्ट किया जाए। आज शादी हॉल का किराया इतना है कि एक आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी कोई शादी हॉल बुक नहीं कर सकता, ना वहाँ पर अच्छे ढंग से कोई इंतज़ाम होता है। रोड पे, रोड के किनारे, गटर के किनारे उन्हें जो है अपने मेहमानों को खाना खिलाना पड़ता है। तो मुजफ्फरनगर के अंदर एक कॉरपोरेशन की जानिब से शादी हॉल बना करके दिया जाए, ऐसी मांगनी हम करते हैं।